नमस्कार दोस्तों, जराहट के हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि आपकी हाथ में बनी रेखा क्या कहती है, विवाह की रेखा। क्या आपके जीवन में भी दो विवाह लिखे हुए हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर जान ले। आप इस वीडियो में देख के पहचान पाएंगे कि क्या आपकी कुंडली में भी दो विवाह लिखे हैं। हमारे हाथ की हथेली में बहुत सी रेखाएँ होती हैं, इन्हीं रेखाओं में से एक वैवाहिक रेखा भी होती है, जो हमारे वैवाहिक जीवन के बारे में बताती है। हस्तरेखा का कहना है कि इस रेखा को देखकर हमारे भविष्य के वैवाहिक जीवन के बारे में पता लगाया जा सकता है। हम इस वीडियो के जरिए आपको समझाएंगे कि आपकी विवाह रेखा क्या कहती है। बुध पर्वत से बाहर निकलने वाली रेखा को विवाह रेखा कहा जाता है। यह रेखा कनिष्ठिका अंगुली के नीचे और हृदय रेखा के ऊपर होती है। अगर किसी पुरुष के बाएं हाथ में दो विवाह रेखा है और दाएं हाथ में एक विवाह रेखा है, तो यह शुभ संकेत माना जाता है। ऐसे पुरुषों की पत्नियां सर्वगुण संपन्न होती हैं, साथ ही अपने पति का बहुत ध्यान रखने वाली मानी जाती हैं। हथेली में कनिष्ठिका अंगुली के नीचे के भाग को बुध पर्वत कहते हैं। कई बार हाथ में दो विवाह रेखा भी होती है। हस्तरेखा का कहना है कि जिन लोगों के हाथ में विवाह रेखा साफ, स्पष्ट, बारीक और गहरी होती है, ऐसी रेखा को हाथ में शुभ माना जाता है। वहीं अगर हाथ की रेखा साफ और कई जगह से टूटी फूटी है और इसे शुभ नहीं माना जाता, कहा जाता है कि ऐसे लोगों के वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। बताया जाता है कि विवाह रेखा हृदय रेखा के पास होती है, तो आपकी शादी 20 साल की उम्र से पहले हो सकती है। वहीं अगर आपकी विवाह रेखा छोटी उंगली और हृदय रेखा के बीच में है, तो आपकी शादी 22 वर्ष के बाद होने के संकेत होते हैं। और जिन लोगों की विवाह रेखा सूर्य पर्वत की ओर जाती है, तो माना जाता है कि इन लोगों का जीवन साथी समृद्ध होगा, संपन्न परिवार से होगा। इन लोगों के जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी। जिन लड़कियों की विवाह रेखा की शुरुआत में यदि कोई द्वीप का निशान है, तो उन लड़कियों को शादी में धोखा मिल सकता है। वहीं जिन लोगों के हाथ में विवाह रेखा सामान्य होती है, तो उन लोगों का वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। तो ये कुछ विवाह से जुड़ी रेखाएं थी जो हमने आपको बताई हैं। क्या आपके हाथ में भी दो विवाह रेखा है? यदि आपके हाथ में भी दो विवाह रेखा है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।